कभी शिक्षा की गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाने वाला बिहार में शिक्षा किस कदर बदहाल हो गई है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बिहार में एक के बाद एक शिक्षा से जुड़े ऐसे ऐसे मसले सामने आते रहे हैं कि पूरे देश भर में बिहार की शिक्षा नीति पर सवाल उठता रहा है। बिहार में कई सारे परीक्षाएं स्टूडेंट तो दे देते हैं, लेकिन रिजल्ट कब आएगा ये ना तो उन बाबुओं को पता है जो इसकी योजना करवाते हैं, और ना ही सरकार को पता है, और ना इस बात की खबर उन स्टूडेंटों को हो पाती है जो इस तरीके के एग्जाम देते हैं। बीपीएससी ऑफिस के बाहर एक बार फिर प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शन की वजह यह थी कि परीक्षा का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। 2 साल पहले असिस्टेंट इंजीनियरिंग की परीक्षा हुई थी और अभी तक रिजल्ट नहीं जारी किया गया है, जिसके बाद से छात्रों का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया और वो रिजल्ट कर लेने के लिए वो बीपीएससी के बाहर प्रदर्शन करने पर उतारू हो गए। बिहार में शिक्षा की हालात हमेशा से चर्चा में रहा है, बिल्कुल बदहाल सा हो गया है बिहार का शिक्षा व्यवस्था। ये बातें इन छात्रों के प्रदर्शन में जाहिर होता है कि सरकार किस कदर लापरवाह है, जो अभी तक 2 साल पहले लिया गया परीक्षा और अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। तो फिलहाल सरकार अपने तरफ से कोई बयान जारी नहीं कर रही है, लेकिन इस तरीके का प्रदर्शन अगर होता है तो क्या छात्रों की बात नहीं सुनी जानी चाहिए? क्या उनकी रिजल्ट जारी नहीं किए जाने चाहिए? ये तो जिम्मेवारी सरकार की है, लेकिन फिलहाल पूरे आलाकमान को इसकी खबर नहीं है कि 2 साल पहले हुई परीक्षा को अभी तक क्यों जारी नहीं किया गया रिजल्ट। नीतीश सरकार की ये एक और लापरवाही मानी जाएगी। बिहार की शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करें हम, तो अक्सर चर्चा में रहा है, चाहे वो ऐसे ऐसे टॉपर होते रहे हैं जिनको अपने सब्जेक्ट यानी अपने एग्जाम जो दिया है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होने के बावजूद भी वो टॉप कर जाते हैं, उसके बाद से बिहार सरकार पर सवालिया निशान खड़ा होता है, फिर जांच होती है परीक्षा की, उस छात्र की रिजल्ट रद्द करनी पड़ती है। इस तरीके की लापरवाही बिहार सरकार में आम बात है। अपने शिक्षा के गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाने वाला बिहार कभी नालंदा विश्वविद्यालय की वजह से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। जापान, चाइना, थाईलैंड समेत कई देश के परीक्षार्थी यहां पर पढ़ाई करने आते थे, लेकिन फिलहाल हाल ये है कि इस देश के ही छात्रों को अपनी रिजल्ट के लिए 2-2 साल तक इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार के कानों तले जूं तक नहीं रेंग रही है। फिलहाल ये आप प्रदर्शन देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से बच्चे परेशान हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार अलग अलग नए चीजों की वजह से चर्चा में रह रही है। आजकल जल जंगल हरियाली के लिए चर्चा में है, लेकिन इसके साथ ही ये भी देखना जरूरी है कि छात्रों को अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं मिला है, वो कब रोजगार हासिल करेंगे। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट, पटना। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।